हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल्स लांचन के बारे में। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है एंड किस क्या काम करता है। ठीक है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे फर्स्ट तो इसको लांटन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो लांटन होते हैं उसी टाइप का ही होता है। ठीक है, ऐसा ही टाइप का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही, इसके अंदर कुछ आर्म्स टाइप होते हैं एंड ऐसा इसका एक लांटेन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए एरिस्टोटल ने इसको लांटेन का नाम दिया। तो ये जो एरिस्टोटल लांटेन है, अगर इसके ये देखें हम, ये जो है ये सी अर्चिन्स या फिर इकाइनोडम्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे ये एबोरल सरफेस है, ये ओरल सरफेस है। हमने सी जो स्टार फिश है उसकी कंप्लीट टाइप स्टडी डिस्कस की हुई है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा सरफेस अबोरल होता है, कौन सा ओरल होता है एंड क्या क्या स्ट्रक्चर्स वहां पे पाए जाते हैं। तो एक ओरल सरफेस होता है जिस साइड माउथ होता है, एक एबोरल सरफेस होता है जिसकी साइड एनस होती है। तो अब यहाँ पे माउथ के ही यहाँ पे पाए जाते हैं, ये एक माउथ ऑपरेटस ही होता है ये, और यहीं पे पाया जाता है ये एरिस्टोटल लैंड। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे इसकी जो प्लेट्स होती है या फिर ये जो आर्म्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसको एक लांटेन जैसा शेप देता है, इसलिए इसको लांटेन। और ये यहाँ पे क्या हो गया, सी अर्चिन हो गया। और अगर हम इसके अंदर देखें, ये यहाँ पे सेंटर में माउथ होगा जिसके थ्रू फूड ईट किया जाएगा। तो ये जो एरिस्टोटल लैंटन है, रेफर्स टू द माउथ अपरेटस ऑफ द सी अर्चिन्स एंड सैंड डोलर्स। सी अर्चिन्स एंड सैंड डोलर्स के अंदर ये पाया जाता है एंड ये क्या होता है, ये एक माउथ अपरेटस होता है। ठीक है, माउथ अपरेटस ही होता है। दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कम्पोज ऑफ फाइव जार्स मेड अप ऑफ कैल्सियम प्लेट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये यहाँ पे लांटन के अंदर ये अलग अलग ऐसे रेज टाइप होती है या फिर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कैसे होते हैं, जैसे कि इसकी जो है ऐसे ही जा हो, ऐसे ये स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं, एक साइड से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो यहाँ पे ये जार्स है, ये क्या है, फाइव जार्स है जो कि कैल्सियम प्लेट्स की बनी हुई है। ये भी सेम यहीं पे ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये जो है यहाँ पे ये ऐसे जो है स्ट्रक्चर है। तो एरिस्टोटल लैंटन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइव जोस का बना होता है एंड ये जोस जो है कैल्शियम प्लेट्स की बनी। दिस प्लेट्स आर कनेक्टेड बाई मसल्स एंड ये प्लेट जो है मसल्स से कनेक्ट होती है। तो इसको जब ओपन करना होगा या फिर इसको जब फूड कैप्चर करना होगा, कट करना होगा, तो उसमें ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हेल्प करती है। बीइंग मैराइन एनिमल द मेन फ्लोरा अर्चिन कंज्यूम इज द एल्गी। ठीक है, अब सी अर्चिन कैसा होता है, ये मरीन होता है और मरीन होने की वजह से ये वहां पे जो एल्गी होती है उसको ये कंज्यूम करना करता है, उसको ये ईट करता है। देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स, एक मैक्रो एल्गी होती है जैसे कि सीवीड्स हो गया और एक माइक्रो एल्गी होती है। अब जिसके ऊपर भी ये ईट करेगा, माइक्रो एल्गी बहुत छोटे साइज में होगी, मैक्रो एल्गी जो है वो बड़े साइज में होगी, तो इसको पहले कट करना होगा तब जाके ये उसको ईट कर पाएगा और कंज्यूम कर पाएगा। इन ऑर्डर टू ईट एल्गी एन एनिमल मस्ट हैव अ वे टू आइदर कटिंग द मैक्रो एल्गी। ठीक है, या तो इस मैक्रो एल्गी को छोटी छोटी बाइट्स के अंदर उसको कट करना, कट करे वो और स्क्रैप करे द माइक्रो एल्गी ऑफ इन इट्स सरफेस। इस सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर, जैसे कि इस सरफेस के ऊपर ये सी अर्चिन है, तो इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या है, इस सरफेस के ऊपर माइक्रो एल्गी जो है वो होती है इस सबट्रैक्टम से अटैच। तो या तो माइक्रो एल्गी को स्क्रैच करे, या तो जो मैक्रो एल्गी है उनको एज इट इज ही नहीं खा सकता है, तो उनको क्या करे, कट पीसीस के अंदर उनको ये कट करे या फिर पीसीस के अंदर बाइट करे, तो इसको ये करना होता है। और इन्हीं सब कामों के लिए इसके पास ये माउथ लाइक अपरेटस एरिस्टोटल लैंटन पाया जाता है, जो कि इन दोनों कामों को ही परफॉर्म करता है, चाहे वो माइक्रो एल्गी को स्क्रैप करना हो या तो उसकी कटिंग करनी हो, माइक्रो एल्गी की कटिंग करनी हो। द माउथ अपरेटस इज कैपेबल ऑफ रिट्रैक्टिंग इनटू द सी इनटू द अर्चिन बॉडी एज वेल एज मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। अब ये जो है ये इसके ये ऐसे सपोज कर सकते हैं, ये इसकी जो है ये यहाँ पे जार्स है,
तो ये ऐसे फूड को कैप्चर करेगा और साथ में ये ऐसे मूव भी करता है, ठीक है, साइड भी साइड बाय साइड ये मूव भी कर सकता है। ड्यूरिंग फीडिंग द फाइव जा, अब ये जब फीड करता है, फाइव जा आर पुश्ड आउट सो दैट द माउथ ओपन। ये फाइव जा, जैसे कि यहाँ पे ये फाइव जा जो है ये पुश कर दी गई एंड ये जो माउथ है इसके बीच में ये ओपन कर हो गया है यहाँ पे। When the अर्चिन wants to bite, अब जब अर्चिन को बाइट करना होगा मैक्रो एल्गी के ऊपर, द जार्स कम टूगेदर टू ग्रिप द प्रे, जैसे कि ये इकट्ठी आएंगी और ये क्या कर लेंगी, इसको प्रे को ग्रिप कर लेंगी। ब्लू कलर का यहाँ पे प्रे होगा और ये प्रे को या फिर हम बोल सकते हैं एल्गी को ये क्या कर लेगी, ऐसे ग्रिप कर लेगी और एल्गी को। एंड देन कैन टीयर और च्यू बाई मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, एंड फिर क्या करेगी, उसको टीयर करेगी, कट करेगी, च्यू करेगी एंड मूव करेगी साइड बाई साइड टू साइड, ये मूव करती जाएगी और उसको ये कंप्लीट ईट कर। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न। तो इसके अंदर ये यहाँ पे जार्स लाइक प्लेट्स हैं, ये टीथ हो गए, ये इसके सेंटर में माउथ हो गया, इसके अलावा यहाँ पे ओरिकल्स होते हैं, कुछ मसल्स होती हैं जैसे कि यहाँ पे प्रोट्रैक्टर मसल्स होती है एंड रिट्रैक्टर मसल्स होती है, ये ऊपर की साइड ईसोफेगस हो गया। एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर, ये जो बीच का स्ट्रक्चर होता है इन प्लेट्स के, इसको एल्यूलस बोला जाता है एंड हाँ यही सब। और ये जो बाहर है इसके, इसकी टेस्ट है, तो यही स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखें, माउथ जो है इसका सी अर्चिन का, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, येट यूनिक स्ट्रक्चर फाउंड इन द एनिमल किंगडम। एंड ऐसा टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये यूनिक होता है एनिमल किंगडम में, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर माना जाता है। बेसिकली ये सेट ऑफ फाइव कैल्शियम प्लेट्स का बना होता है जो कि सेंटर ऑफ द अंडर साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो इसका नीचे वाला ओरल सरफेस होगा वहां पे ये जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अंडर साइड, ये बॉडी के अंडर साइड ये पाया जाता है। बेसिकली ये फाइव कैल्शियम प्लेट्स का बना होता है। दिस माउथ कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम प्लेट्स, अब इस माउथ के अंदर एक तो कैल्शियम प्लेट्स होंगी, मसल्स होंगी एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे पाई जाएंगी, कैल्शियम प्लेट्स, muscles and connective tissue. The complex is composed of five triangular calcium plates or इनको ossicles बोला जाता है। इस structure में अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे ये जो plates हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पे ये फाइव ट्राइंगुलर कैल्शियम प्लेट्स होती है, ठीक है, ये जैसा ये स्ट्रक्चर है कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो ये फाइव ट्राइंगुलर कैल्शियम प्लेट्स होती है और इनको ओसिकल्स बोला जाता है, साथ में इनको पिरामिड्स भी बोला जाता है, जैसे कि ये एक पिरामिड बन गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इनको पिरामिड भी बोला जाता है। पिरामिड्स जो है ये इंटर रेडली अरेंज होते हैं, ईच पिरामिड अटैच ईच पिरामिड इज अटैच टू द एडजेसेंट पिरामिड। अब ये एक पिरामिड है, ये सेकंड पिरामिड है, ये थर्ड पिरामिड है, इसके बैक में दो और पिरामिड है, तो ये एक पिरामिड दूसरे पिरामिड से यहाँ से ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ इंटर पिरामिड मसल्स। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मसल्स होती है और इन मसल्स को बोला जाता है इंटर पिरामिड मसल्स, ठीक है। ये इंटर पिरामिड मसल्स क्या करती है, दो पिरामिड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है। डिस्टली देर आर प्रेजेंट फाइव रेडियल और डिस्टल टीथ, अब यहाँ पे इसके हर एक इस ऑसिकल से यहाँ पे क्या बनते हैं, टीथ, यहाँ पे इसके डिस्टल एंड पे टीथ पाए जाते हैं, तो फाइव रेडियल डिस्टल यहाँ पे टीथ पाए जाते हैं। On the opposite side, bow-shaped bases known as epiphyses are formed with the fusion of broader ends of the pyramid. अब जो पिरामिड का जो दूसरा साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड है इसका, जो दूसरा साइड है वहां पे कुछ बो-शेप के बेस होते हैं, यानी ऐसे धनुष जैसे शेप होते हैं, ठीक है, ऐसे बो शेप के कुछ ऐसे शेप होते हैं, शेप्ड बेसिस होते हैं, जिनको एपिफाइसिस बोला जाता है, आर फॉर्म्ड विद द फ्यूजन ऑफ ब्रॉडर एंड्स ऑफ द पिरामिड, एंड पिरामिड्स के ब्रॉडर एंड यहाँ पे जो फ्यूज हो जाते हैं उनसे ये बनता है।
ये भी सेम डायग्राम है ऑन अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्यूलस। एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्यूलस बोला जाता है, आर प्रेजेंट हुज इंटर मार्जिन यूनिट टू फॉर्म सर्कुलर रिंग और फॉर द पैसेज ऑफ ईसोफेगस। एंड ये क्या करता है, एक सर्कुलर रिंग यहाँ पे एल्यूलस फॉर्म करता है किसके लिए, ईसोफेगस के पैसेज के लिए एक सर्कुलर रिंग यहाँ पे फॉर्म कर देता है। देयर आर प्रेजेंट फाइव सिलेंडर कैल्सेरियस स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा यहाँ पे फाइव सिलेंडर कैल्सेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कंपास और गाइड और रेडाई बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, फाइव मोर सिलेंडर कैल्सेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कंपास, गाइड और रेडाई यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा टॉप पार्ट ऑफ द एरिस्टोटल लैंटर्न स्ट्रक्चर्स इज वेयर न्यू टूथ मटेरियल इज फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 1 to 2 mm पर वीक। अब इस रेट के थ्रू क्या होते हैं, इस रेट से यहाँ पे नए टूथ मटेरियल बनते रहते हैं। यहाँ पे ये जो नए टूथ मटेरियल है ये बनते रहते हैं। तो टॉप पार्ट ऑफ द एरिस्टोटल लैंटर्न स्ट्रक्चर इज वेयर न्यू टूथ मटेरियल, ठीक है, वहां पे क्या होता रहता है, यहाँ पे ये जो है न्यू टूथ मटेरियल यहाँ पे बनते रहते हैं, बीच में जो है न्यू टूथ मटेरियल यहाँ पे 1 to 2 mm पर वीक के रेट से बनते रहते हैं। एट द बॉटम एंड ऑफ द स्ट्रक्चर देर इज अ हार्ड पॉइंट कॉल्ड डिस्टिल टूथ। एंड इसके बॉटम के ऊपर यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको डिस्टिल टूथ बोला जाता है। ऑल्दो दिस पॉइंट इज रिजिड, ये पॉइंट रिजिड होता है और इसके पास वीक आउटर लेयर होती है। ठीक है, वैसे तो ये पार्ट रिजिड होगा लेकिन इसके पास आउटर वीक लेयर होती है दैट अलाउज इट टू शार्पन इटसेल्फ वाइट व्हाइल इट इज स्क्रैपिंग। जब ये स्क्रैप कर रहा होता है माइक्रो एल्गी को तो ये जो है इस पार्ट को, इस स्क्रैप वाले पार्ट को यहाँ पे इन डिस्टिल टूथ वाले पार्ट्स को यहाँ पे शार्प किया जाए, जैसे कि पेंसिल को हम शार्प करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे इसका जो आउटर मार्जिन होता है या फिर इसकी आउटर लेयर होते हैं वो वीक होती है, ताकि ये जो है ये क्या होती जाए, जो भी यहाँ पे जो पॉइंट है अगर वो जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाए, हार्ड नहीं बोल सकते हैं, अगर वो जो है स्क्रैप करने में हेल्प ना करे तो ये लेयर क्या करती है, ये लेयर वीक होती है, तो ये इस टूथ को शार्प करने में हेल्प करती है, क्योंकि टूथ भी यहाँ पे क्या है बनते रहते हैं, टूथ भी यहाँ पे वीक में पर वीक यहाँ पे 1 to 2 mm के रेट से बनते रहते हैं, तो ये इन टूथ्स की शार्पिंग जो है वो चलती रहती है। कैसे चलती है, क्योंकि इसकी आउटर लेयर होती है तो इसको जब भी स्क्रैप करने में डिफिकल्टी होती है तो ये क्या कर लेता है, इस आउटर लेयर को हटा के नेक्स्ट जो इसके पास टूथ है वो आ जाता है, जैसे कि पेंसिल के अंदर होता है वैसे ही इसके अंदर चलता है। वर्किंग की अगर हम बात करें कैसे ये एरिस्टोटल लैंडन वर्क करता है, तो इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर सिस्टम होता है, साथ में यहाँ पे जो है जो प्लेट्स होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मस्कुलर सिस्टम के अंदर यहाँ पे प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होती है। द मस्कुलर सिस्टम अटैच टू द फाइव टीथ इनेबल द एनिमल टू मूव द होल स्ट्रक्चर अप एंड डाउन एज वेल एज साइड टू साइड। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यानी कि मस्कुलर जो स्ट्रक्चर थे, ये जो टीथ यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, ये इसको इनेबल करते हैं कि ये क्या कर सके, स्ट्रक्चर को अप कर सके, स्ट्रक्चर को डाउन कर सके, एंड साइड बाय साइड ऐसे ये मूव भी करता है। टू टाइप्स ऑफ मसल्स यहाँ पे होती है, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स यहाँ पे पाई जाती है। प्रोट्रैक्टर मसल जो है ये हो गई यहाँ पे, रिट्रैक्टर मसल्स यहाँ पे होती है एंड प्रोट्रैक्टर मसल्स जो है ये यहाँ पे। फाइव स्ट्रक्चर्स नोन एज ओरिकल्स, इसके अलावा यहाँ पे फाइव स्ट्रक्चर जिनको ओरिकल्स बोला जाता है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द टेस्ट एंड सर्व फॉर द मसल अटैचमेंट, इनसे मसल अटैच होती है, दे इनक्लोज द पैरिग्नेथिक स्पेस। एंड ये क्या करती है, यहाँ पे ये जो पैरिग्नेथिक स्पेस होता है, ठीक है, ये वाला जो पैरिग्नेथिक ये गर्डल है और ये क्या है पैरिग्नेथिक स्पेस है, यहाँ पे इसको ये इनक्लोज करके रखती है। तो जो फाइव स्ट्रक्चर होते हैं इनको ओरिकल्स बोला जाता है, जो कि टेस्ट से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं एंड ये मसल अटैचमेंट के, ये सर्व करते हैं मसल अटैचमेंट के लिए एंड ये पैरिग्नेथिक स्पेस को भी इनक्लोज करके रखते हैं। व्हेन ग्रेजिंग एल्गी,
जब ये सी अर्चिन एल्गी को ग्रेज कर रहा होता है, एल्गी को खा रहा होता है, द माउथ फर्स्ट रिट्रैक्ट, पहले माउथ रिट्रैक्ट होता है इन टू द बॉडी अ बिट, मसल्स वर्क टू सेपरेट द फाइव टीथ. अब मसल्स क्या करेंगी, इनको जो है ये जो यहाँ पे फाइव टीथ थे इनको ऐसे सेपरेट कर देगी. सेपरेट करने की वजह से जो बीच में सेंटर में माउथ है वो ओपन हो जाएगा. पुश द स्ट्रक्चर फॉरवर्ड एंड क्लोज टू द टीथ टूगेदर. एंड यहाँ पे फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल क्लोज लाया जाएगा एंड यहाँ पे टीथ जो है वो क्या आ जाएंगे, ऐसे पास आ जाएंगे. एंड यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ग्रिपिंग हो जाएगी प्लांट की एंड इवन मूविंग इट साइड बाय साइड टीयर अ पीस ऑफ ऑफ द प्लांट. एंड ये फिर साइड बाय साइड क्या करता रहता है, टीयर ऑफ करता रहता है, ऐसे घूमता रहता है साइड टू साइड एंड ये टीयर ऑफ करता रहता है. तो इस वे में इसके अंदर क्या होती है, फीडिंग होती है. तो ग्रेजिंग जब ये कर एल्गी ग्रेजिंग जब चल रही होती है तो पहले क्या होगा, फर्स्ट रिट्रैक्टर मसल्स क्या करेंगी, माउथ द माउथ फर्स्ट रिट्रैक्ट इन टू द बॉडी ऑफ इट. सबसे पहले माउथ रिट्रैक्ट करेगा, मसल्स क्या करेंगी, मसल्स वर्क करेंगी कि यहाँ पे फाइव टीथ है वो सेपरेट हो जाए जिसकी हेल्प से माउथ जो है ओपनिंग वाइड हो जाए. अब माउथ क्या करेगा, जो भी एल्गी है उसको होल्ड कर लेगा और फिर ये टीथ जो है ऐसे टुगेदर आ जाएंगे एंड फिर ये क्या करेगा, पीस बाय पीस साइड टू साइड उस एल्गी को टीयर करके जो है बाइट करता रहे. मस्कुलर कंट्रैक्शंस विद इन द माउथ इटसेल्फ देन मूव द फूड इनटू द स्टमक. एंड इसके अलावा माउथ के अंदर यहाँ पे मस्कुलर कंट्रैक्शंस चलती रहते हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे जाता जाए और वो स्टमक के अंदर पहुंच जाए. तो यहाँ तक हमने एरिस्टोटल लैंड्रन के स्ट्रक्चर एंड उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस कर ली है. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.